बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज छूट जाए तो फिर कब पढ़ें, यानी नमाज फजर कज़ा हो जाए तो इसको कब पढ़ें। फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह की ज़ात ने कुरान मजीद में फरमाया कि नेकियों की तरफ जल्दी करो, और जब नमाज कज़ा हो जाती है तो नमाज को फौरन पढ़ना चाहिए। बेहतर तो ये है कि आप फौरन नमाज़ पढ़ लें, इसका कोई वक्त नहीं होता कि फजर को फजर ही के टाइम पढ़ेंगे या जोहर के नमाज के साथ पढ़ेंगे, नहीं। जब भी फौरन आप नमाज़ें फजर छूट गई हैं तो फौरन पढ़ लें, और अगर आप फौरन नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी भर आप पर इसकी कज़ा वाजिब है। इसलिए आपको इसको जल्दी पढ़ना चाहिए, और वही नमाज़ पढ़ेंगे जिस तरह नमाज़ें फजर हैं, इसी तरह कज़ा में भी आप नमाज इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन नीयत में फ़र्क आ जाएगा कि दो रकत नमाज फजर पढ़ता हूँ, कज़ा वाजिब कुर्बतन इलल्लाह, इसमें कज़ा का नाम लेना है, इसमें अदा का नाम नहीं लेना है। यही तरीका है, और हर सूरत आप कज़ा नमाज को फौरन पढ़ें।